हेलो एवरीवन, बहुत दिनों बाद लाइव आना हुआ और मेरी यूट्यूब की क्लासेस 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो जो आपका वेटिंग मोमेंट था वो अब ख़त्म होने वाला है। मेरे जितने भी बच्चे एसएससी वाले हैं या ग्रुप डी वाले हैं या जीडी वाले हैं, आप तैयार रहिए। 1 सितंबर से मेरा वीडियो आने वाला है और बहुत ही उसमें अपडेटेड फॉर्म में आने वाला है। बहुत सारे वीडियोस मेरे ऑलरेडी हैं बट उसको अपडेट करके सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके साथ ही साथ 11th की, 12th की, JEE, JEE की वीडियोस ये भी आपको मिलने वाली होगी। मेरा एक शुरू से ही पैसन रहा है कि YouTube मैंने पैसों के लिए स्टार्ट भी नहीं किया था और ना ही इन फ्यूचर मैं पैसों के लिए YouTube को देखता हूँ। ये वीडियोस मैंने लोगों को हेल्प करने के लिए ही स्टार्ट किया था बट समय के चलते इसको बंद करना पड़ा। बट फिर से ये स्टार्ट होने वाला है और दिन होगा या डेट होगा, दिन तो मुझे नहीं याद है, डेट होगा 1 सितंबर। लेकिन 1 सितंबर तक, या आप ऐसा कहें कि 30 और 31 अगस्त तक, आपको कुछ मोटिवेशनल वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। और ये मोटिवेशनल वीडियो जो है वो कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं से खींच लिया गया या कहीं से ले लिया गया। ये मेरे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो मुझे हुए हैं और कुछ ऐसे भी एक्सपीरियंसेस हैं जो मेरे सोचने के अगेंस्ट में चला गया है। तो आज प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो में, आपको मैं शेयर करने वाला हूँ काफ़ी पुराना एक इवेंट। और ये घटना है 2011, जब मैं घाटशिला कॉलेज में पढ़ाता था और मैंने घाटशिला कॉलेज में एज ए BCA और BSc IT फैकल्टी गेस्ट फैकल्टी के रूप में ज्वाइन किया था। तो वीडियो में बने रहिएगा। जो बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा और मैं डल हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है इस चीज़ में, इस सब्जेक्ट में, कैसे इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगा, तो कैसे वाला तो वीडियो बाद में आ ही जाएगा। लेकिन इस वीडियो में जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ ये सुनिएगा और उसके बाद आप तय करिएगा कि आप में इम्प्रूवमेंट होगा कि नहीं और वो बच्चा किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया होगा। तो बात उन दिनों की है जब मैं घाटशिला कॉलेज में था एज ए गेस्ट फैकल्टी, जैसा कि मैंने बताया। मैंने ज्वाइन किया और पढ़ाते हुए 2-3 महीने पार हो गए और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था पढ़ाने का ऑफिशियली। अनऑफिशियली मैं 2004 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बट ऑफिशियली मैंने 2011 से पढ़ाना स्टार्ट किया, एक तरह से आप बोल सकते हैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट में। और वहाँ पर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सारा करवाता था। तो 3-4 महीने के बाद एक मेरी स्टूडेंट थी जिसका नाम संगीता था, संगीता है ऐसा बोलना चाहिए, और उसने मुझे आके बोला सर मुझे सी का सॉफ्टवेयर चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, कल तुम पेन ड्राइव लेते आना। तो उसने बोला सर ठीक है, कल मैं पेन ड्राइव लेके आऊँगी। नेक्स्ट डे जब हुआ, क्लासेस वगैरह हो गए, बीच में जब ब्रेक हुआ, तो उसने मुझे प्लास्टिक में बंधा हुआ एक सामान दिया। तो मैंने बोला कि संगीता ये क्या है? तो उसने बोला सर आपने पेन ड्राइव मंगवाया था तो ये पेन ड्राइव में जो सॉफ्टवेयर वगैरह है ना वो डाल दीजिए। और वो बेचारी पढ़ने में भी उतनी अच्छी नहीं थी और मेरा भी हुआ था 2-3 महीने, तो एक बच्चे को समझने में भी प्रॉब्लम होता है कि कहाँ पर, उस समय मेरा भी स्टार्टिंग हुआ था। अभी तो क्या होता है, 1-2 दिन में मुझे पता लग जाता है कि बच्चे का वीकनेस कहाँ पे है। तो उसने मुझे वो प्लास्टिक का बैग दिया और जब मैंने उसको खोला तो वो पेन ड्राइव पूरे प्लास्टिक से लपेटा हुआ था। और ये जो मैं अभी आपको आगे बोलने वाला हूँ, आपको लगेगा कि यार सर आप मजाक कर रहे हो, रियल नहीं है ये। तो ये जो प्लास्टिक में बंधा हुआ था, तो मैंने पूछा कि तुमने प्लास्टिक में इसको क्यों बांध के रखा हुआ है? तो उसने जो बोला वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। उसने बोला सर प्लास्टिक से मैंने इसलिए बांध के रखा है कि क्योंकि इसमें वायरस आ जाएंगे बाहर से। तो अंदर ही अंदर मुझे बड़ी हंसी आई लेकिन मैंने इस पर कंट्रोल किया क्योंकि अब हो सकता है कि अगर मुझे भी कुछ जानकारी नहीं हो
तो मेरे से भी ये गलती हो सकती है। तो आप समझ सकते हो कि एक लड़की जिसे सोचो कंप्यूटर का सी भी नहीं पता है, और वो सोचो पेन ड्राइव को प्लास्टिक में लपेट के आई है, और प्लास्टिक में लपेटने का रीज़न ये था कि उसमें वायरस घुस जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि मैंने उसके बारे में प्रेडिक्ट किया कि ये लड़की BCA तो कर रही है, लेकिन करके करेगी क्या? मेरे मन में भी एक बार आया कि क्या करेगी ये करके। तो मैंने उसको समझाया, देखो वायरस ऐसे नहीं आता है, वायरस ऐसा फिजिकली अपीयर नहीं होता है, जब कंप्यूटर में तुम डालोगी तो कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसा किया जाता है फीड, इसके चलते कुछ प्रॉब्लम आता है। तो वो धीरे धीरे फिर समझ पाई कि हाँ अभी प्लास्टिक से नहीं लपेटना है, ठीक है। तो धीरे धीरे पढ़ाई उसका आगे बढ़ा। अब एज ए स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि ये लड़की क्या कर लेगी। मैंने भी सोचा क्या करेगी, ये इतनी डल है, अभी तो ये पेन ड्राइव प्लास्टिक से लपेट रही, आगे पता नहीं क्या करेगी। ऑलमोस्ट धीरे धीरे समय गुजरा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट मुझे दिखाई पड़ा, लेकिन उतना इम्प्रूवमेंट उसमें हुआ नहीं था। और 3 साल उसने BCA में पार कर दिया, उस समय सेमेस्टर वाइज नहीं हुआ करता था, 1 ईयर 2 ईयर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इस तरह से चलता था। 3 साल में उसका BCA ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट ठीक ठाक परसेंटेज से पास हो गई। आफ्टर 1 ईयर कहीं वो जा रही थी, मुझे ध्यान उतना नहीं है, ठीक है, काफ़ी टाइम पार हो गए, और वो मुझसे मिली और मैंने बोला संगीता क्या कर रही हो अभी, तो उसने बोला सर TCS ज्वाइन किया है। वो भी मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, TCS किसमें हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर में। मतलब आप विश्वास करो कि जो लड़की किसी दिन प्लास्टिक में पेन ड्राइव को लपेट रही थी, वो TCS में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क कर रही है, और आज वो लड़की आज के डेट में इन्फोसिस में टेस्टिंग में है। आप समझ सकते हो टेस्टिंग एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है, और अच्छे अच्छे लोगों को वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आज जो उसने जो वैल्यू कमाया है, जो नॉलेज कमाया है, शायद उसके सामने हम लोग भी बहुत छोटे होते हुए दिखते हैं। तो ये पहला मेरा मोटिवेशनल वीडियो, या यूँ कहें कि स्टोरी आपके लिए था। अगर वो बच्ची उस स्टेज में इतना डेवलपमेंट कर सकती है, और उसके लिए हमारा क्रेडिट नहीं है, वो उसका क्रेडिट है कि उसने समय के साथ साथ अपने आप को बदला, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाया, और तब जा कर के आज वो इस स्टेज में है। शायद मेरे फेसबुक में है, अभी बहुत दिनों से उनसे बात नहीं हुआ, आज भी मैं उसको स्टोरी पूछता हूँ। जब मैं एक दिन उससे बात कर रहा था तो मैंने बोला पेन ड्राइव अब क्या प्लास्टिक में लपेट रही हो कि नहीं, तो बेसिकली ये मजाक भी मैंने उसके साथ किया है। तो आई थिंक कि उसकी मेहनत और ऊपर वाले की कृपा आप देखिए कि वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। तो विश्वास मानिए दोस्तों, आप भी आज जिस कंडीशन में हो, अगर आप डल हो तो ज़रूरी नहीं है कि इन फ्यूचर भी आप डल ही रहेंगे। हाँ ये है कि आपको मेहनत करना होगा, उससे रिलेटेड अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा, तो उसका कुछ रिसोर्स ढूंढना पड़ेगा। हर काम टीचर नहीं कर सकता है, जो काम आप कर सकते हो वो काम टीचर नहीं कर सकता। आप पढ़ सकते हो, आप अच्छा एग्ज़ाम में लिख सकते हो, आप याद कर सकते हो, टीचर ये काम नहीं कर सकता, टीचर आपको एक गाइड ही कर पाएगा। तो ये था दोस्तों स्टोरी नंबर 1, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, और ये रियल स्टोरी है, बोलता है ना सच्ची घटना, ये रियल स्टोरी है मेरे लाइफ का, और मैंने भी नहीं सोचा था वो लड़की कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। एक स्टोरी और आपसे शेयर करना है, ये भी ऑलमोस्ट 2015 के आसपास का स्टोरी है। मेरे पास ऑलमोस्ट 40-50 ऐसे स्टोरी है जो आप सही में मोटिवेटेड आपको होना चाहिए। तो जब मैं SSC वगैरह पढ़ाया करता था, ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने 2019-2011 से ही SSC पढ़ाना स्टार्ट किया, घाटशिला कॉलेज भी पैरेलल मैंने ज्वाइन किया था। एंड एक इंस्टीट्यूट में मैं और पढ़ाता था जो घाटशिला में है, सक्सेस ट्यूटोरियल, वहाँ पे मुझे उस बच्ची का नाम नहीं याद है, वो लड़की 6 महीने तक वहाँ पढ़ी, और पैरेलल मेरा एक अपना इंस्टीट्यूट भी हुआ करता था निशांत ट्यूट्स के नाम से, अभी वो निशांत सर क्लासेस है।
तो वो 6 महीने पढ़ी मैथ में, डेफिनेटली डल, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि प्लस माइनस में भी प्रॉब्लम था। 6 महीने के बाद जब वहाँ पर सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो गया तो वो मेरे इंस्टीट्यूट में आई और सर बोली कि सर मुझे ना आपसे मैथ्स पढ़ना है। तो मैंने बोला तुमने तो 6 महीने तक मुझसे बात ही नहीं किया। तो उसने बोला सर ना आपसे बड़ा डर लगता था। मैंने बोला कि क्यों, हम मारते थे क्या? तो बोली नहीं सर ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन पढ़ना तो आपसे ही है। तो मैंने बोला ठीक है, तुम टेबल कितने तक जानती हो? तो उसने बोला कि सर 12th तक। मैंने बोला 12th का तुम सुना दो, तुम्हारा एडमिशन ले लेंगे। और मेरे पास कभी भी कोई एडमिशन फीस नहीं हुआ करता था, 300 रुपये पर मंथ में उस समय पढ़ाता था, रिसेंटली जब मैंने छोड़ा तो 500 रुपये पर मंथ ये भी हमारे पास था। तो उसने 12th का टेबल अटेम्प्ट लिया, अटेम्प्ट लिया, आप विश्वास नहीं करोगे, कम से कम 15 बार उसने बोला, लास्ट 16वीं बार में 12 का टेबल, 12th का टेबल उसने सही किया। और मैंने बोला ठीक है कल से क्लास आ जाना। 1 महीने हुआ, 2 महीने हुआ, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, मेरा प्रयास टोटली, मतलब बोलते हैं ना वेस्ट, वो पूरा वेस्ट हो गया। और मैंने सोचा कि अब कुछ फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे भी इसका 6 महीने बर्बाद हो जाएगा। धीरे धीरे जब 2 महीने और हुए तो हार्डली मुझे 20-30% का इम्प्रूवमेंट उसमें दिखा। और ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद, ऑलमोस्ट शायद 7वीं मंथ में सिलेबस उसका कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट 40% तक इम्प्रूवमेंट था। जो प्लस माइनस नहीं था वो मैंने उसको सिखा दिया था, वो अब वो कर लेती थी। वो लड़की आफ्टर 7 महीने के बाद 2-3 महीने और गुजरा और वो मिली, या शायद मुझे फ़ोन आया था और उसने बोला सर मेरा जॉब हो गया। मैंने बोला कहाँ? झारखंड कांस्टेबल में। अगेन मेरे लिए यह शॉकिंग था कि जो बच्ची 12th का टेबल बताने में 16 अटेम्प्ट ली, 15 अटेम्प्ट 16वां बार सही था, और आज उसने गवर्नमेंट जॉब में अपना एक स्थान पक्का, अपना एक पोजीशन पक्का कर लिया है। इससे बड़ा बात नहीं हो सकता। मैंने भी नहीं सोचा था कि ये लड़की वहाँ तक पहुँचेगी। अगर मुझे नाम याद आ जाए तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट, क्योंकि अभी बहुत सारे मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने आने वाले हैं, तो आप समझ सकते हो कि जब वो लड़की इतना खराब जगह से उठ के, जगह तो नहीं बोलेंगे, इतना खराब पोजीशन से उठ के, इतना वर्स्ट पोजीशन से इतना इम्प्रूव करके अभी सोचो गवर्नमेंट जॉब में है, तो ये आपसे भी तो हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, जिस भी जगह में आप हो, जैसे भी पोजीशन में हो, अगर आज का दिन आपके लिए खराब है तो ज़रूरी नहीं कि इन फ्यूचर आपके लिए खराब ही होगा। वो लड़की आज गवर्नमेंट जॉब में है, उसमें मेरा क्रेडिट कुछ भी नहीं है, जस्ट हम लोग तो पढ़ाते सबको हैं, ये उसका क्रेडिट है कि उसने अपने लाइफ में क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया, क्या बदलाव लेके आया, और वो अपने बदौलत आज उस जगह पे खड़ी है। तो ये था दोस्तों हम मेरे तरफ से 2 मोटिवेशनल स्टोरी, ठीक है, शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बेटर इज़ दैट कि आप अगर डल हो तो इस स्टोरी से ये सबक लीजिए कि जब वे लोग अपने लाइफ में इतना बदलाव कर सकते हैं तो हम लोग भी एक कोशिश क्यों नहीं करें। तो चलिए दोस्तों, कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।